हाँ जी मित्रों, मैं हूं मेगा ब्लू और आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है। अर्थ वीडियो को अंत तक देखते रहना है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई मत भूलना, एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। और यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। बढ़ते अपने पहली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं इस वायरल गर्ल के बारे में। आप लोग को भाई याद होगा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को पिछले वाली वीडियो में बताया था यार कि जो गर्ल है यार इंटरनेट पर अभी के टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है अपने कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से। हो सकता है कि कल यार इसकी दो वीडियो काफी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हुई, जहां पर पहली वीडियो में तो यार वो अपनी दादी को यार गाली दे रही थी, ऑल्सो यार इंडियन संस्कृति का भी मजाक उड़ा रही थी। ऑल्सो अपनी दूसरी वीडियो में यार वो ये कह रही थी कि वो अपने हस्बैंड को बेच देगी। और मैंने आप लोगों को भाई कल वाली वीडियो में यार बता दिया था कि इस लड़की को भाई कितने सारे यूट्यूबर्स के साइड से, ऑल्सो काफी सारे ऑडियंस के साइड से भाई इसको हेट मिल रहा था कि भाई ये लड़की क्या ही कर रही है, क्या ही वीडियोस डाल रही है इंटरनेट पे। तो उस लड़की की यार जो दोनों वीडियो वायरल हुई थी, वो दोनों के दोनों यार वायरल वीडियो जो है वो एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मेन के पास यार पहुंच गई, एंड जिसके ऊपर यार वो लोग रिएक्ट करते हैं। उन्होंने कहा, इंस्टाग्राम मन्नत कुलारिया वांट्स टू सेल हर हस्बैंड बट देयर आर नो क्लियर लीगल प्रोविजन टू स्टॉप अ वाइफ फ्रॉम सेलिंग हर हस्बैंड, शी कैन बी अरेस्टेड अंडर आईपीसी सेक्शन 371 एज पर विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्लेव एंड पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो इसी वाली वीडियो के ऊपर यार ये जो मन्नत है, मतलब कि ये जो लड़की है जिसकी वीडियो यार दोनों वायरल हुआ था, वो यार रिएक्ट करती है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया जिसमें कहती है, अपोलोजाइजिंग टू एनसीएम इंडिया फॉर यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज अगेंस्ट देम, कुड वी बीन इवन पोलाइट व्हाइल सिटिंग ऑन माय ओपिनियन अगेंस्ट देयर पोस्ट ऑन मी कॉलिंग अ ट्रूज विद देम। इस लड़की को भाई उस वीडियोस की वजह से जितने भी लोग भाई हेट वगैरह कर रहे थे, काफी सारे यूट्यूबर्स भी यार रिप्लाई कर रहे थे इस चीज पे, उन सारे लोग का भाई ये लड़की जो है वो रिप्लाई करती है एक वीडियो बना के। उसने क्या कुछ कहा था भाई देखिए आप लोग। एनसीएम इंडिया, थैंक्स फॉर रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट माय ब्रूटल आइडियोलॉजीज, बट उसकी मेरे को कोई वैल्यू नहीं है, तो गन मराओ। और भाई मैं अपने पति का स्लेव ट्रेड करूं, मैं उसको जो किसी और से उसको मरवाऊं, या मैं उसको बेचूं, या मैं उसको मतलब झाड़ू पोछा लगवाऊं, वो हम दोनों के बीच की बात है। तुम्हारा क्या, बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन FIR कराओ मेरे पे, कराओ FIR, कराओ मेरे पे, लेकर जाओ मेरे को, आई डिजर्व टू गो इनसाइड। सही कह रहे हो तुम लोग। एंड आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में, मुझे अपने ओपिनियंस को यार कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोग के भाई क्या कुछ ओपिनियन है इस लड़की के ऊपर। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं अर्पित बाला के बारे में। तो भाई अर्पित बाला अपने रीसेंट वाले लाइव स्ट्रीम पे भाई रिएक्ट करते हैं ध्रुव राठी की रिसेंट वीडियोज के ऊपर। आप लोग को भाई पता होगा कि ध्रुव राठी ने अभी यार रिसेंट डेज में पॉलिटिक्स के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोज वगैरह अपलोड करी है बीजेपी को एक्सपोज करते हुए। तो भाई इसके ऊपर अर्पित बाला का क्या रिएक्शन है, उन्होंने क्या कुछ रिएक्ट किया था इसके ऊपर देखिए आप लोग। भाई ओपिनियन ऑन ध्रुव राठी, these half facts, selective disclosure and recent video. Okay, great video. I would say, क्या हुआ था अभी recently ना, मेरे घर पे एक टीवी है, ठीक है, बहुत पुराना है, उसके अंदर 4K नहीं है, इट्स लाइक HD है HDMI केबल पे, बट सिर्फ और सिर्फ 720p चलता है। मैंने पापा से बोला कि पापा प्लीज नया टीवी ले लेते हैं। पापा बोलते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सही में घंटे भर का फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए एंटरटेनमेंट, मैं तो भाई बस न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि माइनॉरिटीज का मजाक 4K में उड़ रहा है या फिर 720p में, मेरे को तो बस सुनना है। बट हियर्स द थिंग डैड, आई लाइक टू प्ले FIFA 24, मेरे को फीफा खेलनी है 4K में, मैं क्या करूं। परसों मैंने ध्रुव राठी की वीडियो गलती से चला दी अपने घर में, परसों मैंने अपने घर में ध्रुव राठी की वो वीडियो गलती से चला दी। आज मेरे घर पे नया LG का 4K टीवी आ चुका है गाइस। अब अगर ध्रुव राठी के रिलेटेड बात चली रही है तो भाई नेक्स्ट न्यूज भी ध्रुव राठी के ही बारे में है। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 3-4 वीडियो से यार ध्रुव राठी कंटिन्यूस यार बीजेपी को एक्सपोज करते हुए जा रहे हैं। तो भी यार आज ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक और रील भी अपलोड कर दी, जहां पर भाई उन्होंने अगेन बीजेपी को एक चीज के लिए एक्सपोज किया। आप लोग देखिए वो क्या कुछ कहते हैं। मैंने कहा था दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर इस वीडियो को देखकर। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? $1,000 बिलियन। $1,000 बिलियन, हाँ। अब कर्जा है 500,000, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप, देश पर कितना कर्जा है? 5,500 5,000 करोड़ अरब
5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर अब देश पर कर्जा है। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। कहाँ देखे थे ये जो मतलब कहाँ पड़े न्यूज में आता है तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में देखा कांग्रेस सरकार में बता रहा हूँ मैं। अभी की सरकार में कितना पैसा देगा वो बिजली का बिल भरेगा या अपने काम करेगा? पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? एक अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे एक अरब बिलियन डॉलर कर्जा है तो सुपर पावर है वो। एक अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। इससे पता चलता है शिक्षा की इम्पोर्टेंस, ऐसे नेताओं को वोट देना कितना जरूरी है जो एजुकेशन पर फोकस करें, ना कि आपको बेवकूफ बनाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एलविश यादव वर्सेस मैक्स टर्न की कंट्रोवर्सी के बारे में। आप लोगों को भाई पता होगा कि अभी यार कुछ टाइम पहले जो एलविश यादव एंड मैक्स टर्न की यार कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बीच में भाई एलविश यादव ने काफी गंदे तरीके से यार मैक्स टर्न को मार वगैरह दिया था। ऑल्सो उसकी वीडियो क्लिप जो है वो इंटरनेट पे वायरल भी हो गई थी। ये वाली वीडियो तो यार आप लोगों ने जरूर ही देखी होगी। तो यार ये जो एलविश एंड मैक्स टर्न की कंट्रोवर्सी हुई थी, ऑल्सो यार ये जो मारने वाली वीडियो थी इसको भाई रिक्रिएट किया भाई हर्ष बेनीवाल ने। शायद से उनकी यार कोई वीडियो आने वाली है इसी के ऊपर, कोई पैरोडी काइंड ऑफ वीडियो, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था। उसी पोस्ट यार आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप को दिखा देता हूं, देखिए आप लोग। और भाई क्या हाल है? हाथ ना मिलाऊं मैं तो मारने आओ बैठो। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यार हर्ष बेनीवाल ने रिक्रिएट किया है भाई इस वाली फाइट को जो कि यार एलविश यादव एंड मैक्स टर्न के बीच में हुई थी। भाई मुझे तो काफी ज्यादा क्रेजी लग रही है ये वाली वीडियो। एंड ये वाली वीडियो यार आने कब वाली है इसका भी उन्होंने भाई अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने इसी वाली वीडियो के यार लास्ट में बताया कि इनकी यार ये वाली वीडियो जो है वो 12 अप्रैल मतलब कि कल ही यार फ्राइडे के दिन आने वाली है। आप लोग यार कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन को यार जरूर बताना। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं थगेश के बारे में। तो भाई थगेश के साथ में चल रही है उनकी लाइफ में काफी बड़ी भाई प्रॉब्लम, इस चीज को उन्होंने शेयर किया अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। क्या कुछ है भाई उनकी जिंदगी में दिक्कत, देखिए आप लोग क्या कुछ कहते हैं। कभी कभी लगता है पुराने दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। मतलब एक चैनल होता था मेन चैनल थगेश, उस पे फोकस करना है सिर्फ एक वीडियो पे, पूरा दिमाग लगाना है, पूरी मेहनत लगानी है, वो एक वीडियो अपलोड करना है। फिर दूसरा चैनल किया थगेश अनफिल्टर्ड, लोड थोड़ा सा बढ़ा कि चलो अभी अनफिल्टर्ड पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या टॉपिक क्या ये वो शूट एडिट सब। फिर बनाया थगेश शॉर्ट्स, शॉर्ट्स ने तो जान खाली भाई, जितना मिनी व्लॉग है उतना दिमाग ज़्यादा लगता है भाई जितना छोटा व्लॉग है, तो वो अलग स्ट्रेस बढ़ गया क्योंकि वो एडिट भी मेरे को ही करना है, सब मेरे को ही करना है। फिर महेश केशवाला वाला चैनल, बड़े व्लॉग्स, क्योंकि मेरे को है ना थोड़ा सा शांति नहीं है ना, मेरे को एक घंटा भी दिन में आराम रहेगा तो मेरे को लगता है एक नया चैनल बना लूँ, क्यों वेस्ट करूँ, तो फिर ऐसे होता है, फिर मानसिक स्थिति हिल जाती है, फिर तो बड़े ब्लॉग्स पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है। ये हो गया तो समझ रहे हो, या मेन चैनल अभी फोर्थ हो गया। मेन चैनल पे जब तक ऐसा लगता है, रियलाइज होता है कि वो अब 5-6 दिन हो गए मेन चैनल पे कुछ अपलोड, ओ इस पे अपलोड 8 दिन हो गए, अनफिल्टर्ड पे कुछ अपलोड नहीं किया, एक हफ्ता हो गया शॉर्ट्स पे, ऐसा होता है। फिर याद आता है ओ 12 दिन हो गए रील्स पे कुछ पोस्ट नहीं किया, फिर ऐसा लगता है ओ स्पॉन्सर भी आया है, कहाँ दिमाग लगाऊं, मानसिक स्थिति ना हिल जाता है पूरा, तो ऐसा ही होता है। बाकी तो फिर शायद लफड़ा सेंट्रल भी होता है, फिर थगेश शो भी आता है, तो बहुत बहुत कुछ होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर 1-2 दिन हो सकता है कंसिस्टेंसी ज्यादा, तो मैं तुम लोगों को पता है मैं गैप नहीं लेता वीडियोज में, बट हाँ ऐसे ही मन गया स्टोरी डालने का तो डाल दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो भाई मुनावर फारूकी को यार ट्रोल किया UK07 रेडर ने। बेसिकली हुआ क्या कि यार मुनावर फारूकी कल यार गए हुए थे किसी रेस्टोरेंट के अंदर जहां पर यार काफी सारे लोग भीड़ लगाकर आ गए, ऑल्सो उनके ऊपर भाई अंडे वगैरह फेंकने लगे थे। आप लोग यार इसकी वीडियो वगैरह भी देख पा रहे, मैं आप लोग को दिखा दूंगा किसी क्लिप्स के थ्रू। बट यार ये चीज हुआ क्यों, मुनावर फारूकी के ऊपर अंडे वगैरह क्यों फेंके गए? तो ये बताया जा रहा है कि जिस रेस्टोरेंट में यार गए थे खाना वगैरह खाने के लिए मुनावर फारूकी, वो एक न्यूली लॉन्च रेस्टोरेंट था एंड उसी वाले रेस्टोरेंट का जो कॉम्पिटिटर था, उसका जो ऑपोजिशन था, उसे ने यार ये चीज कराई लाइक मुनावर फारूकी के ऊपर भाई अंडे वगैरह फेंकवाए, जैसे यार उसका धंधा ज्यादा अच्छे तरीके से चले एंड जिस रेस्टोरेंट में भाई मुनावर फारूकी आए थे उसका भाई धंधा वगैरह जो है वो बंद हो जाए। इसलिए यार ऐसा वो ऑपोजिशन जो रेस्टोरेंट वाला था वो जानबूझ के ये चीज को कराया था। एंड जिस तरीके से भाई मुनावर फारूकी के भाई सिर पे अंडे वगैरह मारे गए, उनको ट्रोल वगैरह किया गया, इस चीज पे यार UK07 रेडर भी उनको ट्रोल करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करते हैं, आप लोग भाई देख पा रहे होगे। एंड UK07 रेडर ने यार मुनावर फारूकी को भाई ट्रोल इसलिए किया, आप लोग को पता होगा कि जब एलिवेशन
मैक्सवेल एंड ऑल्सो एर यूगोस्लाव रेडर के बीच में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कांड हो गई थी, तो उसमें भाई मुनावर फारूकी ने पॉपकॉर्न खाते हुए ये वाली स्टोरी अपलोड करी थी, तो इसी चीज का भाई रिप्लाई करते हुए यूगोस्लाव रेडर ने भी यार अपना बदला ले लिया। आप लोग क्या कुछ सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं इंडियन गेमर्स के बारे में। तो भाई इंडियन गेमर्स मिले यार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, आप लोग देख पा रहे, तो इसी वाली चीज को यार शेयर करते हुए गेमर फ्लीट ने यार अपने चैनल के एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें कहते हैं गॉट अ चांस टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिस्कस्ड एवरीथिंग गेमिंग, वीडियो आउट सून वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, स्टिल कांट बिलीव आई लव यू दोस्तों। एंड ऑल्सो और भी यार काफी सारे गेमर्स यार मिले थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, आप लोग का क्या रिएक्शन है भाई ये चीज देखने के बाद में, मुझे अपने ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, गेम यार बात कर लेते हैं थगेश के बारे में। तो भाई थगेश यार मिले मनीषा रानी से, आप लोग देख पा रहे कुछ फोटोज वगैरह यार आ रही थी इंटरनेट पे। ऑल्सो मनीषा रानी ने इसका पूरा व्लॉग भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है थगेश के साथ में मीटअप का, तो अगर आप लोग को देखना है तो भाई मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके भाई देख सकती हो। एंड ये वाला कोलैब यार थोड़ा सा शॉकिंग सा था, बिकॉज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थगेश यार मनीषा रानी से मिलेंगे जाके। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं एलविश यादव के बारे में। तो क्या भाई एलविश यादव की कोई मूवी आने वाली है, अब समय क्यों कह रहा हूँ, तो बेसिकली हुआ क्या कि कल यार एलविश यादव यार एयरपोर्ट पे कहीं से आ रहे थे। एंड आप लोग को पता होगा कि जब यार कोई सेलिब्रिटी वगैरह एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वो जो पेपराजी वगैरह होते हैं वो भाई वहां पर पहुंच जाते हैं, तो एक इंटरव्यू लेने के लिए भाई एक पेपराजी पहुंच गया था एलविश यादव के पास, जिसमें वो कहता है कि एलविश भाई यार क्या आपका कोई गाना वगैरह आ रहा है, जिसमें एलविश यार अपने साइड से रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि भाई गाना नहीं, इस बार मूवी आ रही है, वो भी दो। अब देखते हैं भाई कि कौन सी यार मूवी होने वाली है एलविश यादव की, इसके रिलेटेड और भी यार कुछ अपडेट्स वगैरह वो देंगे तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हो उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो भाई हार्दिक पांड्या को एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। बेसिकली हुआ क्या कि हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या के एक स्टेप ब्रदर हैं जिनका नाम है वैभव। इन्होंने किया गया कि भाई इन दोनों लोग के बिजनेस में लाइक जो हार्दिक पांड्या एंड ऑल्सो कृणाल पांड्या का एक बिजनेस था उसमें यार ये पार्टनर के रूप में यार काम करते थे, लाइक ये जो इनके स्टेप ब्रदर थे वैभव, एंड उन्होंने भाई 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का स्कैम कर दिया इनके साथ, लाइक इनके पार्टनरशिप में भाई उन्होंने कुछ धोखा वगैरह कर दिया उनके बिजनेस के अंदर। अगर आप लोग का और भी कुछ जानना है तो मैं आप लोग को भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके भाई ये वाले न्यूज को पढ़ सकते हो। तो चलो गाइस सभी के लिए इतनी न्यूज थी, जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यार हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलना, 1 सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब, एंड यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड भाई इंटरेस्टिंग न्यूज देता रहता हूँ। ऑल्सो अगर आप लोग मुझे कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो न्यूज सबमिशन के लिंक जो है वो आप लोग को भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग वहां पर जाकर मुझे कोई न्यूज सबमिट करोगे तो डेफिनेटली मैं आप लोग को भाई नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में, पीस आउट।